हे हेलो मेरे दोस्तों, जा कैसे आप सभी लोग। द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ का आज पॉलिटिकल साइंस का पेपर था और आप जैसे देख सकते हैं बच्चे पेपर देख आ चुके हैं और बच्चे काफ़ी खुश दिख रहे हैं। और बच्चे चल के पूछते हैं कि पेपर कैसा गया, पैटर्न क्या था। तो वह एक बार खुद बच्चों से ही जाकर पूछते हैं। बच्चे आप स्कूल किस स्कूल से हैं? गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आपका सेंटर रोनी सेक्टर 22 में पड़ रहा है, राइट। तो पेपर कैसा आया था आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का? सही आया था, जो मैम ने समझाया था हमें वैसे ही पेपर आए थे। जैसे हाँ। मैंने समझाया था पेपर बिल्कुल वैसे ही था, बहुत अच्छा पेपर गया और पेपर बहुत इजी था। इजी था जो पेपर समझाया था, जो रिवाइज कराया था ओके। वैसे ही पेपर आया था वो, वैसे ही ओवरऑल काफी इजी पेपर था। सर भी वैसे ही थे जैसे सेम कराए थे। बहुत अच्छी बात है। तो आप लोग आज के पेपर से काफी खुश दिख रहे हैं। बात यह है कि पेपर बहुत इजी था, राइट। तो अभी जैसे कि आप लोग दिख रहे हैं, इस बार जो क्वेश्चन पेपर पूछे वो ऑब्जेक्टिव में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो आपके लिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है या सब्जेक्टिव अच्छा होता है? सब्जेक्टिव अच्छा होता है, ऑब्जेक्टिव में तो हम एक क्वेश्चन मतलब उसमें डाउट भी रहता है, डाउट नहीं भी रहता है। डाउट नहीं भी रहता है मतलब वहाँ पर गलती होने के चांसेस ऑब्जेक्टिव में ज्यादा रहते हैं, सब्जेक्टिव में कम रहता है। तो जैसे आप लोगों का सेकंड टर्म का एग्जाम होने वाले मार्च अप्रैल में, तो उसको देखकर आप कैसे प्रकार की तैयारी करेंगे? फर्स्ट टर्म के हिसाब से करेंगे या सेकंड टर्म में जो सिलेबस है उसके हिसाब से करना चाहिए? सेकंड टर्म में ज्यादा करेंगे क्योंकि उसमें फर्स्ट टर्म का भी आ गया आधा आंसर, क्योंकि मैडम बताते हैं कि आधा आंसर उसमें आ जाएगा, राइट। तो हम फर्स्ट टर्म का भी लेंगे लेकिन सेकंड टर्म का ज्यादा याद करेंगे। सेकंड टर्म बाकी के पेपर कैसा रहा आपका? बाकी हिंदी का पेपर कल था, उसमें कैसा था आपका क्वेश्चन? हिंदी का भी सही आया था और बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, राइट। अब जैसे देखा गया कि सीबीएसई जो है आंसर की दे रही है उसमें कुछ क्वेश्चन गलत आंसर दे रहे हैं, तो उस पर क्या कहना चाहते हो आप? जो आंसर की आ रही है जो आंसर कुछ मतलब समझ में नहीं आते हैं वो थोड़ा अलग लगते हैं। अच्छा, कुछ आंसर छोड़ सकते हैं। तो जैसे आपने आशा की थी पेपर आने की, ठीक वैसे ही पेपर आया है क्या? बहुत इजी आ गया पेपर, काफी इजी आ गया ना? आप लोगों ने ज्यादा मेहनत कर ली इसे, मतलब बहुत ही इजी था पेपर था। जैसे देखा जाए तो ज्यादातर बच्चे जो है फर्स्ट चैप्टर में देखें जो कोल्ड वार था उसमें ज्यादा फंसते थे बच्चे। तो कोल्ड वार से क्वेश्चन ज्यादा आए थे कि नहीं आए थे? फर्स्ट चैप्टर यानी फर्स्ट बुक से क्वेश्चन ज्यादा आए थे, राइट। और जो सेकंड बुक है आपके राष्ट्र निर्माण की चुनौती, उसमें क्वेश्चन आए थे कुछ? कम आए थे। मैप आया था? मैप ने चित्र आए थे क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे आप लोगों को 60 में से? 50। इस बार 50 अटेम्प्ट करने थे, 50 क्वेश्चन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच आपके रिएक्शन के लिए। अपनी वीडियो द पॉलिटिकल मास्टर चैनल आप देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।